नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है, कहां देखने को मिलेगा और दोस्तों कितने लोग का ये भी कमेंट आ रहा है कि क्या इसका अलॉटमेंट का डेट चेंज हो गया है, दोस्तों ये भी इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। और दोस्तों यदि आप इसे अप्लाई किए हैं तो आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल रही है, इसका जीएमपी क्या चल रहा है और इसमें क्या गुड न्यूज निकल कर रही है, दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विभोर स्टील ट्यूब्स का अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है और कहां देखने को मिलेगा और इसका रजिस्ट्रार क्या रहने वाला है, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो दोस्तों आपको अलॉटमेंट स्टेटस को चेक करने से पहले कुछ इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल्स एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों बात करें इस आईपीओ के रिगार्डिंग तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो आईपीओ मार्केट में आपको 13 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी के बीच आता हुआ दिखा होगा और दोस्तों आपने इसमें अप्लाई भी क्या होगा। और दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट का जो डेट है आपको 16 फरवरी के दिन होने वाला, जो कि आपको फ्राइडे का दिन है। और दोस्तों बात करें इसका रिफंड के रिगार्डिंग, यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलता है ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण, तो आपका जो रिफंड है आपको 19 फरवरी मंडे का दिन होने वाला है। और दोस्तों यदि आप लकी रहते हैं, आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिलता है, तो आपको जो डीमैट अकाउंट में है उसमें आपको 19 फरवरी मंडे के दिन आपको शेयर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग डेट रखी गई आपको मंगलवार 20 फरवरी का दिन होने वाला है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको नज़र में होनी चाहिए। अब दोस्तों बात करें इसका क्या सब्सक्रिप्शन डाटा निकल के आ रहा है और दोस्तों आपको कितने बंदों में से कितने बंदों में को अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा, चलिए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसका जो इसका जो आपका अलॉटमेंट का जो स्टेटस है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं, अलॉटमेंट क्या बता रहा है और कितने बंदों में से कितने बंदों को आपका सब्सक्रिप्शन डाटा होता हुआ दिखेगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दें, मार्केट में दोस्तों कोई भी आईपीओ आता है उसका कोई ना कोई आपका एक रजिस्ट्रार रहता है और दोस्तों इस आईपीओ केस में जो इसका जो रजिस्ट्रार है वो आपका केफिन टेक है। तो दोस्तों आपका जो केफिन टेक की भी आपको वेबसाइट पे लेके चलेंगे और दोस्तों आप बीएससी के साइट से भी अपना अलॉटमेंट स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम वीडियो में आके बारी बारी से आपको दोनों तरीके से अलॉटमेंट स्टेटस को चेक करके बताएंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल पर वीडियो में बने रहें, तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं कि जो आपका आईपीओ है ये ओवरऑल आपका 307 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। और दोस्तों बात करें इंकर इन्वेस्टर ने इस आईपीओ को, देख सकते हैं कि इंकर इन्वेस्टर एक आईपीओ के अप्लाई किया है और इनकी तरफ से देख सकते हैं कि 21 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों बात करें क्यूआईबी ने इस आईपीओ को, देख सकते हैं कि 181 टाइम सब्सक्राइब करते हुए दिखे हैं और दोस्तों इनकी तरफ से 2608 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। और दोस्तों यदि बात करें यदि एचएनआई कैटेगरी से, देख सकते हैं कि एचएनआई ने इस आईपीओ को 756 टाइम सब्सक्राइब करते हुए दिखे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एचएनआई की तरफ से कि आपको काफ़ी अच्छा खासा पैसा आता हुआ दिखा है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी तरफ से आपको देखने को मिल रहा है कि 8134 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों ये तो हो गया आपका बड़े प्लेयर जो आपका क्यूआईबी हो गए और आपका एचएनआई हो गए। अब बात करें रिटेल कैटेगरी से, देख सकते हैं कि इस आईपीओ में जो अभी तक चुको जो आपको डाटा देखने को मिल रहा है 189 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों देख सकते हैं कि आपको आपका एचएनआई के बाद जो सबसे ज़्यादा जो पैसा आता हुआ दिख रहा है वो आपको रिटेल कैटेगरी से आता हुआ दिख रहा है। तो देख सकते हैं कि 4766 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिला कि एम्प्लॉय की तरफ से भी कोई अच्छा खासा पार्टिसिपेंट देखने को मिल रहा है, एम्प्लॉय ने भी आपको 197 टाइम सब्सक्राइब किया है और इनकी तरफ से 87 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अभी तक का जो डाटा देखने को मिल रहा है इसमें आपको जो एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि काफ़ी आपको अलॉटमेंट का जो चांसेस है काफ़ी आपको टफ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसका जो अनुमान लगाया जा रहा है आप देख सकते हैं कि अराउंड आपको 195 या आपको 200 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों आप ऐसा अनुमान लगा के चलते कि प्रत्येक 200 बंदे में से किसी एक बंदे को आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये तो आपको डाटा रख सकते हैं कि 190 या 200 बंदों में से किसी एक बंदे को आपको अलॉटमेंट होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका अलॉटमेंट के चांसेस के रिगार्डिंग। और दोस्तों यदि आप इसे अप्लाई किए हैं तो चलिए अब देखते हैं इसका जीएमपी क्या चल रहा है और आपको जीएमपी के अनुसार कितने की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों बात करें विभोर स्टील ट्यूब्स आईपीओ को जीएमपी के रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं इसका जो जीएमपी आपको 123 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और इस आईपीओ का जो आपको अपर प्राइस बैंड है आपको 151 रुपये का, दोनों को ऐड करने के बाद 274 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज यदि गेन की बात की जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको 81 से 82% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें इसके जीएमपी के रिगार्डिंग, तो देख सकते हैं इसका जीएमपी ने आपको 130 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यदि इसके जीएमपी में आपको अच्छा सब्सक्रिप्शन के कारण इसके जीएमपी में आपको अच्छी खासी उछाल भी देखने को मिल रही है,
क्योंकि इसका जो GMP आपको प्रीवियस डे में आपको 110 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 110 से आपको अच्छी खासी इसमें उछाल देखने को मिल रही है, और जब आपका मार्केट जो आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा शाम के समय, जो आपको 5 बजे के बाद IPO जो आपका क्लोज होता हुआ दिखेगा, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको और भी अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यदि बात करें लिस्टिंग डे वाले दिन, यदि मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहती है तो इसमें आपको अच्छी खासी और भी उछाल देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये तो हो गया इसका GMP के अनुसार आपको कितने की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों बात करें अलॉटमेंट के रिगार्डिंग, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो अलॉटमेंट आपको दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो आप BSE के साइट पर जाके और दूसरा आप इसका जो रजिस्ट्रार है उसके साइट पर जाकर। तो दोस्तों मार्केट में कोई भी आपका IPO आता है तो कोई ना कोई आपका एक रजिस्ट्रार रहता है। जैसे मार्केट में दो बड़े रजिस्ट्रार हैं, एक आपका KFinTech हो गया और दूसरा आपका LinkedIn Time हो गया। तो दोस्तों इस IPO के केस में जो इसका जो रजिस्ट्रार है वो आपका KFinTech है। तो दोस्तों मैं दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दोनों पे जाकर आपको अलग अलग तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको बारी बारी से दोनों वेबसाइटों पर लेकर चलते हैं और आपको अलॉटमेंट कैसे चेक करना है आपको उसमें दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी तक यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि BSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके आ गए हैं। दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको दो ऑप्शन शो करेगा, एक आपका इक्विटी और दूसरा आपका डेप्ट। तो दोस्तों आपको इसमें इक्विटी पे सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इक्विटी पे सिलेक्ट करने के बाद पेज आपका एक बार रिफ्रेश होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको इसमें शो करेगा कंपनी का नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों आपको इसमें ड्रॉप डाउन में इसमें क्लिक करना है सिलेक्ट में, और आपको इसमें कंपनी का जो नाम है आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। तो फिर आपका एक बार रिफ्रेश होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको दो ऑप्शन शो करेगा, एप्लीकेशन नंबर और आपका पैन कार्ड नंबर। तो दोस्तों पैन कार्ड नंबर सबसे ईजिली होता है और आपको अवेलेबल भी रहता है और कितने बंदों को याद भी रहता है। तो दोस्तों आप पैन कार्ड नंबर इसमें फिल कर दीजिएगा, और दोस्तों आप चाहे तो अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर भी इसमें आप अलॉटमेंट स्टेट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, और इसके बाद बटन आपको इसमें सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना इजीली अपना अलॉटमेंट स्टेट को चेक कर सकते हैं कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है कि अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह तो आपने BSE के साइड से अपना अलॉटमेंट स्टेट को देख लिया कि आपको कैसे चेक करना है। अब चलिए दोस्तों जो इसका रजिस्ट्रार है KFinTech, अब उसके ऑफिशियल साइट पे आपको लेके चलते हैं और वहां से आप कैसे अपना अलॉटमेंट से कुछ चेक कर सकते हैं आपको उसमें बताते हैं। और दोस्तों दोनों का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली वहां जाके अपना अलॉटमेंट शेट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ वैल्यूएबल पॉइंट देखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आपका एक लाइक है मोटिवेशन देता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से कंटेंट लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं KFinTech की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको हम लेके आ गए हैं। दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको इसमें 1 से 5 तक अलग अलग लिंक शो करेगा, आपको किसी भी एक लिंक पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको Link 1 पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों Link 1 पे क्लिक करने के बाद आपको ये आपका रिफ्रेश होकर एक नया विंडो ओपन होकर आ जाएगा। फिर आपको इसमें ऑप्शन शो करेगा, आप देख सकते हैं कि IPO का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, फिर एप्लीकेशन नंबर हो गया, फिर आपको इसमें डीमैट अकाउंट का नंबर शो करेगा, फिर आपको इसमें पैन कार्ड नंबर भी ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों आपको पैन कार्ड नंबर पे सेलेक्ट करना है। दोस्तों पैन कार्ड नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पैन कार्ड नंबर सबको पास इजीली अवेलेबल रहता है और सबको इजीली याद भी रहता है, और आपको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको पैन कार्ड नंबर फिल कर दीजिएगा, फिर आप देख सकते हैं कि आपको इसमें कैप्चा कोड को फिल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको इसमें कंपनी का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी नाम सिलेक्ट करने, आप देख सकते हैं कि इसमें कंपनी का नाम अभी आ नहीं रहा है। तो दोस्तों आप कोई भी एक नाम सिलेक्ट कर लीजिए, और जैसे इसमें कंपनी का नाम आपको आ जाएगा आपको उसमें कंपनी का नाम शो करने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह आप इसमें सबमिट बटन पर क्लिक करके और इजीली अपना अलॉटमेंट शेयर को चेक कर सकते हैं कि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल रहा है कि अलॉटमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इन इजी स्टेप्स को फॉलो करके आपको उन्हें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।